आज चंद्रिका बाबू की पुण्यतिथि के अवसर पर आप अभी आपने श्रद्धांजलि अर्पित की, हेलो क्या है मतलब चंद्रिका बाबू के इतिहास क्या रहा है बलिया में? देश के और बलिया के इतिहास में सड़क से लेकर संसद तक, रेलवे स्टेशन से लेकर दिल्ली तक, चंद्रिका बाबू गरीबों का, मजदूरों का, ठेला खर्चों वालों का मसीहा थे। और चंद्रिका बाबू का आज हम लोग बड़े सौभाग्य की बात है, आज महिषवा उनका पुण्यतिथि है, उस पर हम लोग शिरकत किए और उनको हम लोग नमन कर रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि देश में दो ही आदमी बाबूजी के नाम से संबोधन करते थे, चाहे कोई केंद्रीय मंत्री हो, भारत सरकार का मंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वह थे एक जगजीवन बाबू और दूसरा थे हमारे चंद्रिका बाबू को बाबूजी के नाम से संबोधन करते थे। आज इस बलिया के इतिहास में आप देखेंगे, आज जो वर्तमान प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं कि मैं चाय से, लेकिन वह देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि चंद्रिका बाबू स्टेशन से लेकर और बलिया के हर सड़क पर वह आपको दिखाई देते थे। स्टेशनों पर गरीब वालों को, ठेला वालों के मुद्दों को लेकर वह हमेशा पत्रक दिया करते थे। अपनी सवाल ये है कि चंद्रिका बाबू के लिए जगह नहीं मिला मूर्ति के लिए, इन्होंने खुद अपने जमीन में लगाया है। चंद्रिका बाबू को आज मैं घोषणा से कर रहा हूँ कि आज बलिया टाउन पॉलिटेक्निक जिसका मैं चेयरमैन बना हूँ, और चंद्रिका बाबू बलिया टाउन पॉलिटेक्निक के चेयरमैन रह चुके हैं, उस नाते हमारा दायित्व होता है कि उनकी मूर्ति प्रस्ताव हो गया है प्रबंध समिति से, उनकी मूर्ति वहाँ पर लगेगी।